नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीवन दर्पण मन की बात में पीआरजी की टीम और टीना राठौड़ की तरफ से। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम राजस्थान की जानी मानी हस्तियों से आपको रूबरू करवाते हैं और पहुंचाते हैं उनके मन की बात आप तक। इसी कड़ी में हमारे बीच मौजूद है एक नन्ही कलाकार डिम्पल वैष्णव। सबसे बड़ी बात, उम्दा गायकी तो इनकी है ही, लेकिन इनको एक लाइलाज बीमारी है। उस बीमारी के बावजूद भी अपने दर्द को भुलाकर उससे लड़कर उन्होंने एक रास्ता अपनाया गाने का, और इसमें वो बहुत खुश है। आइए जानते हैं उनके बारे में और उनके मन की बात पहुंचाते हैं हम आप तक। डिम्पल जी, पीआरजी स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले हम चाहेंगे आप अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे घर पे मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, और अभी मेरा छोटा भाई हुआ है 4 सितंबर को जी, और मैं हूँ। हम चार जने रहते हैं। बहुत बढ़िया। और पढ़ाई अभी आप कौन सी क्लास में हैं? सातवीं क्लास में हैं आप। तो आपका सिंगिंग में इंटरेस्ट कैसे हुआ? आपके घर से कोई है सिंगिंग क्षेत्र में? मेरे पापा गाते हैं, तो मेरे पापा कभी कभी लेके भी जाते थे साथ में। तो पापा का तू सीख भजन, तो उसी के कारण मैं भजन सीखना चालू कर ली। अच्छा, आपने भजन सीखे, तो आपने गुरु बनाया किन्हीं को, या आप अपने पापा के मार्गदर्शन पे चल रही हैं? अभी तो मैं क्लासेस संगीत सीख रही हूँ, वो मेरे गुरु और मेरे पापा सिखाते, वो भी मेरे गुरु है जी। तो आपके आप शास्त्रीय संगीत सीख रही हैं? हाँ। सुना है। तो आपके गुरु कौन है शास्त्रीय संगीत में? श्री फूलन चंद जी शर्मा है मेरे गुरु। भगोली परिक्रमा में गाया था मैंने सबसे पहला भजन, नैनी बाई का मायरा। क्या बात है, फिर आपने याद किया था, क्योंकि मायरा गाने के लिए तो नॉलेज होना चाहिए ना, याद किया था। हाँ। किन्होंने याद करवाया था? पापा ने याद करवाया था। बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर आप जैसे अभी पढ़ाई कर रही हैं, अभी सिर्फ आप 7th स्टैंडर्ड में हैं। हाँ। तो आपकी मम्मी ने कभी नहीं बोला कि नहीं अभी भजन वजन नहीं गाने और पहले पढ़ाई करो? नहीं, मम्मी ने कुछ नहीं बोला मुझे। वो पापा के साथ वो भी आपको सपोर्ट करते हैं कि आप सिंगिंग किसी को? अच्छा, और बाकी जो आपके रिश्तेदार हैं वो तो प्रताप नगर रहते हैं, वो उनको ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप सिंगिंग? नहीं, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं, सारे खुश हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, जैसे आप अभी गाने गा रही हैं, हाँ, तो आपको सबसे ज़्यादा किन के गाने पसंद हैं, किन के भजन पसंद हैं, आप भजन करते हैं? लता जी। आपने किन किन के साथ में कार्यक्रम किया है? आशा जी वैष्णव, प्रकाश जी माली, अनिल जी देवड़ा, महेंद्र सिंह जी पवार, और बाकी कई जनों के साथ किया हुआ है जी। बहुत बढ़िया। तो आप कैसे मैनेज करती हैं? आपको स्कूल भी जाना होता है, फिर आपको अपने प्रोग्राम भी करने होते हैं, फिर कैसे मैनेज करते हैं स्कूल को और प्रोग्राम को? कर लेती हूँ। स्कूल में कैसा, क्या बोलते हैं स्कूल वाले, सब जानते हैं आप गायिका हो? हाँ, सब जानते हैं। सब कैसे, फिर आपको कैसे रिस्पॉन्स देते हैं? अच्छा ही देते हैं, सब खुश होते हैं, टीचर्स वगैरह सब खुश, सपोर्ट भी करते हैं? सपोर्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, हमें ये बताइए आप कि आपका अपना पसंदीदा भजन कौन सा है जो हम करते हैं? नैनी बाई का मायरा। अच्छा, उसका सबसे फेवरेट पार्ट आपको क्या लगता है? हम दो लाइनें सुनेंगे आपसे उनकी, बीच में वो लाइन है, वो अच्छी लगती है जी, बताइएगा। लंबी लंबी डाढ़ी भगुड़ी लायु गाड़ी, आयु बबो नर सीरे, बात कैया भर सीरे, रेत आई आड़ी, टूटा फाचर फाड़ी, रात अटे पड़ सीरे, बात कैया भर सीरे, लंबा लंबा छोटा पेट जरा मोटा, लंबा लंबा छोटा पेट जरा मोटा, भूखा मरता मर सीरे, बात कहिया भर सीरे, लंबी लंबी डाढ़ी भागुड़ी लायो गाड़ी, आयो बाबो नर सीरे, बात कहिया भर सीरे। क्या क्या रही है? हमारा एक समाज है, राघव समाज,
उसमें मुझे है ना वाई आर एस टीम ने सपोर्ट किया और रमेश जी ने सपोर्ट किया, रमेश जी बागरेचा, सुरेंद्र जी और योगेंद्र जी, मनोहर जी, पंकज जी, वीरेंद्र जी, तारामणि जी, इन सब ने मुझे सपोर्ट किया और खासकर खासकर जो थे अध्यक्ष और वो उन्होंने भी सपोर्ट किया, जैसे वाई पी पेशवा जी, श्री बाबूलाल जी, श्री सुरेंद्र जी, इन्होंने सब ने मुझे प्रमोट किया। हाँ, तो वो क्या ट्रॉफी मिली थी आपको, क्या टाइटल दिया था? राघव समाज की प्रतिभा जी, वो ट्रॉफी उन्होंने आपको दी है जी। बहुत बढ़िया। और क्या क्या काम किया है आपने? जैसे आपने मंच पर भजन तो गाए ही है, उनके अलावा हमने सुना है शायद आपने टीवी के साथ में भी काम किया है कुछ, तो वो उनके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मेरे चुनमुन कार्यक्रम में भी आया था प्रोग्राम और रेडियो भी, रेडियो में गाया था भजन, आकाशवाणी में काम किया था। हाँ जी। और ये चुनमुन ये कहाँ पे किस चीज़ का प्रोग्राम था? आकाशवाणी में था या किसी टेलीविजन का शो था? ये टेलीविजन का शो था। बहुत बढ़िया। और शायद आपने 24 न्यूज़ चैनल के लिए भी कुछ काम किया है। हाँ। हमने ऐसा सुना है। हाँ। जी बहुत बढ़िया। तो जब आप पहली बार चैनल पे काम करने के लिए गई थी तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। उसके अलावा ऐसे अलग सी फीलिंग हुई कुछ? नहीं, कुछ नहीं। डर नहीं लगा? नर्वस नहीं हुए बिल्कुल? नो। बहुत बढ़िया। तो डिंपल जी, आप भजन गा रही थी तो अचानक से आपकी शास्त्रीय संगीत में रुचि कैसे हुई? पापा का भजन तो बाद में भी सीख सकते हैं, पहले संगीत सीखो, क्यों हमारे पास सुर होगा तभी हम भजन सही से गा सकते हैं या सुर में। बहुत बढ़िया। आपके पापा आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, बहुत खूबसूरत। अच्छा, आप सनातन धर्म के लिए भी कुछ करना चाहती हैं, हमारी जैसे आपके पिताजी से बात हुई थी, तो वो मोटिव कहाँ से आया आपके, एकदम सनातन धर्म के लिए कुछ करने की इच्छा कैसे जागृत हुई? मन से, ऐसे मन से क्या करना चाहेंगे आप? सनातन धर्म का प्रचार मैं भजन गा के करूँगी। सिंगर कौन से होंगे जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं? सभी है, सभी सिंगर्स के साथ। कोई स्पेशल आपको, कोई ऐसे कोई सिंगर होंगे जो बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे, जो आपको लगता है कि इनके जैसे मुझे गाने गाने हैं? लता जी आपके फेवरेट हैं। अच्छा, और अपने राजस्थान में? आशा जी वैष्णव। क्या बात है, उनके जैसे गाने गाएंगे आप बड़े होकर। मिले हो आप आशा जी? अच्छा, आपने बताया आपने उनके साथ प्रोग्राम किए हैं, बातचीत हुई आपकी उनसे? हाँ। क्या कहा उन्होंने जब उन्होंने देखा एक छोटी सी बच्ची इतने खूबसूरती से भजन गा रही है? आशीर्वाद दिया मुझे। क्या बात है। आपने शास्त्रीय संगीत आप सीख रहे हैं? हाँ। तो अभी आपने कुछ सीखा होगा शास्त्रीय? हाँ, संगीत में सीखा ना। कोई भी दो लाइन आप सुनाना चाहेंगे हमें? राग यमन की एक गाना है जो आपको सुना रही हूँ। हाँ। पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, मुँह लियो मने मेरो परस पर, मुँह लियो मने मेरो परस पर, पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नीरे सासा नीरे गरे सासा नीरे गरे सासा नीरे गरे ग नीरे गरे ग नीरे गरे ग, पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी। बहुत खूबसूरत। डिंपल जी, हमने सुना है कि आपको एक ऐसी बीमारी है जिस
उसका इलाज संभव नहीं है, अभी तक उसका इलाज कोई सामने नहीं आया है। हम आशा करेंगे कि जल्दी ही आपकी बीमारी का इलाज मिल जाए आपको, लेकिन अभी तक जैसे डॉक्टर से आपकी बातचीत हुई तो हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको जब इस डिजीज़ के बारे में मालूम चला कि मुझे ऐसी बीमारी है, तो आपने मतलब कैसे, क्या आपके घर वालों ने कैसे क्या रिएक्ट किया? और मुझे मेरे पापा ने दर्द को भुलाने के लिए मुझे इसलिए मुझे ना भजन सिखाए जी, मेरा दर्द भुलाने के लिए। आपके इस बीमारी की वजह से आपका दिमाग जो है वो संगीत के क्षेत्र में लगा जी, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। डिंपल जी, अंत में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों तक अपने मन की बात पहुँचाएं, हमारे दर्शकों को कोई संदेश दें। एक छोटा सा संदेश है मैं आपको देना चाहूँगी। बहुत चंचल बहुत मासूम सी होती है बेटिया, बात बात पे रोती है, नादान सी होती है बेटिया, घर महक उठता जब मुस्कुराती है बेटिया, 16 सिंगार करके जब बनती है दुल्हनिया तो माता पिता को प्यारी लगती है बेटिया, घर सुना सुना लगता है, कितना रुला के जाती है बेटिया, माता पिता को अजीब सी तकलीफ होती है जब दूसरों के घर जाती है बेटिया, ये मैं नहीं ये रब कहता है, ये मैं नहीं ये भगवान कहता है कि जब मैं खुश होता हूँ तब जन्म लेती है बेटियाँ, इसीलिए मैं कहना चाहूँगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाओ। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया निम्बल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना वक्त निकाला आपने और हमारे स्टूडियो पधारे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम ये भी कामना करते हैं कि आप अपने दर्द को बिल्कुल एकदम साइड में रखें और एक बहुत बड़ी गायिका बने और हमारे राजस्थान का नाम रोशन करें। ये थी जोधपुर की जन्मी जाई डिंपल वैष्णव, जिन्होंने ना सिर्फ अपने समाज का नाम रोशन किया बल्कि अपनी खुद की एक लाइलाज बीमारी से लड़कर गायन क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला लिया। हम चाहेंगे जल्दी ही अपने मुकाम पर पहुंच जाए, बहुत अच्छी गायिका बने। इसी तरीके से हम राजस्थान के जाने माने चेहरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे और उनके मन की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के जरिए जिसका नाम है जीवन दर्पण मन की बात। तब तक के लिए बने रहिए बीआरजी की टीम और टीना राठौड़ के साथ। नमस्कार।